आरडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यकाल खत्म होने के बाद विधायक को हर महीने 30,000 रूपए पेंशन में रूप में मिलते हैं। 8,000 रूपए डीजल खर्च के रूप में मिलने के साथ साथ जीवन भर मुफ्त रेलवे पास और मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता है। यानी कि एक लाइन में कहें तो एक बार विधायक बनने के बाद पूरी लाइफ सुरक्षित हो जाती है। विधायक को सैलरी संबंधित राज्य के खजाने से ही मिलती है। इस कारण जिन राज्यों के पास अधिक धन है वे अपने विधायकों को ज्यादा सैलरी देते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में विधायकों को सबसे कम सैलरी मिलती है क्योंकि इन राज्यों के पास संसाधन कम मात्रा में है। ज्ञातव्य है कि पिछले 7 सालों में विधायकों की औसत सैलरी में लगभग 125% की वृद्धि हो चुकी है। सैलरी में सबसे अधिक वृद्धि 450% दिल्ली के विधायकों और उसके बाद तेलंगाना के विधायकों की सैलरी में 170% की वृद्धि हुई है। सांसदों की सैलरी विधायकों की औसत सैलरी की तुलना में 2 गुना ज्यादा है। सांसद को हर माह 2.91 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें 1.40 लाख रुपए की बेसिक सैलरी और 1.51 लाख रुपए का भत्ता शामिल होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को हर महीने 1.50 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति को हर महीने 1.25 लाख रुपए, प्रधानमंत्री को 1.65 लाख रुपए, राज्यपाल को 1.10 लाख रुपए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 1.10 लाख रुपए, जबकि कैबिनेट सचिव को 2.50 लाख रुपए मिलते हैं। हालांकि सरकार जल्दी ही राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है क्योंकि कैबिनेट सचिव को 2.50 लाख रुपए मिलते जो कि राष्ट्रपति से ज्यादा हैं और राष्ट्रपति के पद की गरिमा के लिए ठीक नहीं है कि एक कर्मचारी भारत के सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति से ज्यादा सैलरी प्राप्त करें।